बीते कुछ दिनों से पंजाब से हिमाचल आने वाले पर्यटकों और प्रदेश के स्थानीय लोगों के बीच हो रही मारपीट की घटनाओं व हिमाचल के टैक्सी चालकों पर पंजाब में हमले होने के बाद दोनों राज्यों के लोगों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। यही वजह भी है कि पंजाब के लोग हिमाचल आने का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी चिंता व्यक्त की है। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से हिमाचल आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हिमाचल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों राज्यों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी द्वेष पैदा हुआ है उसे दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहां से ये समस्या आई, उन्होंने भी ऐसी समझी। आई विल पर्सनली ब्रीफ द डीजीपी ऑफ पंजाब एज वेल एज डीजीपी ऑफ हिमाचल पर्सनली ऑन दिस इशू। ऐसा कोई होता है तो उन लोगों के हर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस के ऐसी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि पंजाब और हिमाचल एक वक्त हम इकट्ठे पंजाब के थे और अब भी हमें वही समन्वय बनाए रखना है। जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं दोनों डीजीपी से खुद बात करूँगा।